प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का पेपर, जो कि आपकी कल होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को नए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप सभी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप वीडियो तो देख जाते हो पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो इसलिए प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको आगे मदद मिलती रहे। इसके बाद में भी मैं सभी विषयों के ऊपर, आपकी 6 जो विषय है उन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि वार्षिक परीक्षाओं में उसी से सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको ये होगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार का आएगा। आपका वर्ड ऐसे ढूंढ लो जो आपके पेसेज में मिल रहे हो और उसी लाइन को उठा के इसका आंसर बना दो। इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। आपको विकल्प वाले जरूर थोड़े ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक करने पड़ेंगे। और इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो आगे भी कुछ ये पेसेज दे रखे हैं। इस प्रकार के पेसेज अब ज़्यादा आएंगे तो आप इन पेसेज का ज़रूर ध्यान रखना और अच्छे से हल करना, क्योंकि अब जो है कि फिर वापस से आपका जो सिलेबस था वो पुरानी पद्धति के आधार पर ही रहेगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, पुरानी पद्धति के आधार पर ही आपका पेपर आएगा, उसी आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो आप इन चीज़ों को देख लें और आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं में आने वाली है। तो इसी के बाद में सेक्शन बी होता है जो आएगा आपका। इसमें आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है लिखने के लिए, और अगर आपको मैं एप्लीकेशन अगर बताऊं तो आप सिर्फ 3 एप्लीकेशन याद कर लीजिए। इसमें से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी और वार्षिक परीक्षाओं में भी एक पक्का में फिस जाएगी। जैसे एक तो एप्लीकेशन फॉर SLC या TC की, एक स्कॉलरशिप की और एक सिक लीव की एप्लीकेशन। ये 3 एप्लीकेशन आप अच्छे से याद कर लेना, तीनों में आपका काम हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी याद कर लो। इसी के बाद में अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये कुल ग्रामर है जो कि सेक्शन सी में पूछी जाती है। आप इनको भी अच्छे से याद कर ले और नोट कर ले। और ग्रामर में ही एक चीज़ ये ज़रूर आती है, आपको अगर टेंस अच्छे से आते हैं तो ही आप इसको अच्छे से हल कर सकते हो। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शांत रहिए, मैं कार चलाती हूँ, आज सोमवार है, सूर्यास्त हो चुका है, वर्षा हो रही है, तो ये बहुत IMP चीज़ें हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए हमेशा पूछा जाता है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। और इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो सेक्शन डी में भी इस प्रकार के आपके पेसेज दिए जाएंगे, जो कि आपको उसी में से ढूंढ के हल करना है। ये आपकी किताब में से कहीं से भी 20 से उठा के पेसेज बना देते हैं और उसमें से फिर वो प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ये भी अच्छे से हल करना है। कुल मिला के पेसेज वाला तो बिल्कुल छोड़ के मत आया करो। आप लोग क्या किया करो कि पेसेज में से ढूंढ ढूंढ के तो करना रहता है सब कुछ, आपको इसी प्रकार से कर दिया करो आप। और इसके अलावा सेक्शन बी में एक नोट मेकिंग समरी भी आती है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को नोट मेकिंग समरी आती होगी। और अगर नहीं आती है तो एक नोट मेकिंग समरी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सभी कुछ सिखाऊंगा कि किस प्रकार से नोट मेकिंग समरी बनाई जाती है, कैसे इसको बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे कि वो वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो आपका नोटिफिकेशन उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल जाएगा। तो ये था अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का पेपर। इसमें कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि ये देखिए अपन, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।